राम राम भी सारी बहनों ने सारी चाची ताई ने जो भी चैनल से जुड़ रहा है सभी की राम राम। आज जाना पड़ रहा है जींद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो उस खातर जींद जावे हैं। हम पहुंच गए बेबी जींद, दिखाऊं तो हमने कितनी भीड़ पावेगी। एक तो गर्मी ऊपर तो इतनी भीड़ पावे है मार्केट वगैरह में, तो शहर में दिखाऊंगी तो हमने कितनी भीड़ है, और मेडिकल में बहुत ज़्यादा भीड़ पावे है जिसमें हम जाओ। हाँ देखो बेबे, हम पहुंच गए थे जींद और ये अपना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है, मौसम बदलन लग गया, बादल आ जाएगा, दिवे का दिवे धूप आ जाए। हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में, देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है, खुद देख लो। हर 12 से ही मिला है। ये देखो ये छोटी सी बच्ची 8 दिन की थी, हॉस्पिटल में आई हुई थी, चेक करवाने के लिए लेके आए होंगे इसको। ये देखो और पेशेंट आते ही जा रहे थे और पर्ची पर भी इतनी लंबी लाइन थी। बेबे हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो रही थी, 3 बजे के बाद नंबर आएगा हमारा और ये बजे हैं 12, तो अब देखे हैं कि टाइम स्पेंड करें इतने 3 घंटे, 3 घंटे का टाइम गाड़ी में चाल पड़े उल्टे बैठ कर ना। भीड़ इतनी हो रही है, ऊपर तो इतनी गर्मी, देखते हैं कित जाओगे। बीच में रानी के तालाब पे घूमे आए, तो फिर रानी के तालाब की वीडियो मैं अलग तो बनाऊंगी, अलग तो डालूंगी, वह उसमें देख लियो, ब्लॉग में नहीं डालती इसमें, उसकी अलग वीडियो है वो अलग देखियो। हम पहुंचे हैं बेबे ताऊ के छोरे की बूरा आकर, मेरी जेठानी जींद तो इनके घर पाए हैं, ये टाइम हार्ड स्पेंड करेंगे इतना। हम पहुंच गए हैं बेबे, देखते हैं बेबे इनके घर पर कौन मिलेगा, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट टीचर हैं, स्कूल में जाए मिलेंगी। नमस्ते ताई जी। हम पहुंच गए बेबे ताई हर के घर पे, ताई भी आ रही है। वैसे ताई तो गांव में रह आगरे, तो देखो रूम ये चाचा बेटा बेबे अपना एलईडी देखने लग रहे थे और मैं बोर हो रही थी कती, मैंने नींद आ रही थी अड है, एक बार तो नींद आ भी गई थी, फिर मैं उल्टी उठ गई क्योंकि गर्मी लग गई थी। ये देख लो दोनों चाचा बेटा अपना देखने लग रहे हैं। देखो बेबे ये है मेरी जेठानी, ये भाई है, हम दोबारा हॉस्पिटल में जाकर वापिस आए जब आई मिली है। ताई जी भी हमारे साथ वापस आ गई थी गांव में, क्योंकि गांव मेरा आ गई, एक दिन खतर गई थी जींद। बेबे घर पहुंच गए हैं और मार्केट में टाइम नहीं लगे वीडियो बनाने का, क्योंकि एक तो गर्मी हद तक नहीं हो रही थी और ऊपर तो इतनी भीड़ थी उड़े, तो मैंने तो अपना फोन बंद करके अपने बैग में डाल लिया था पर्स में, और हॉस्पिटल में हमारी मोटी 1-2 मिनट की वीडियो बनी थी वो मैंने दिखा दी थी कितनी भीड़ हो रही थी, तो फिर सारा दिन निकल गया। अब फिर जो भी 1-2 सामान ले आई हूँ मैं, ईव सोची ईव दिखा दियो आपने, कुछ ना ले आई वैसे तो इतना, पर 1-2 सामान ले आई वो दिखा दियो आपने। देखो बेबे ज़्यादा कुछ तो लेकर आई नहीं हूँ, बस नू लगा लो 2 तो जो टावल ले आई थी, ये 2 तो ले ले आई थी, इनका खोल कर तो के दिखाऊँ, और 1 जोड़ी चप्पल ले आई थी क्योंकि मेरी चप्पल हो रही हैं घिस गई कती, और तो पड़न का डर हुआ फर्श पे, तो नई चप्पल लेकर आई हूँ घर पहनन की, देख लो। और ये छोटा मोटा सामान लेकर आई थी 1-2 और, ये पहन स्टार्ट कर दूंगी, और 1 लेकर आई थी जूते, अब जब नौवां महीना शुरू होगा और जब पे मैं जूते पहनने काम आ जाएंगे, तो जूते थे कोनी तो 1 जोड़ी जूते लेकर आए थे जाए जुए, फिर आगे की बड़ा टाइम लग ना लग नौ महीने के लास्ट लूस्ट में या फिर
चप्पल में ये जूते पहनना काम आ जाएंगे। तो ये छोटा मोटा सामान खरीद कर लेकर आए थे हम, जो मैंने दिखा दिया एक दो सामान लेकर आए थे, वो दिखाने का कौन था तो दिखाने दी को नहीं, और बाकी तो परचून का सामान था घर का रसोई का, तो वो तो के दिखाना। तो यो ही करके आए थे आज हम शॉपिंग, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जिसने चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दिया। थैंक यू ऑल।